ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣਾ ਰੋਜ਼ ਝੂਲਣਾ ਮਾਰੀ ਚਲੋ 2000 ਬਣ ਜਾਂਦੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਾਮ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨੋਂ ਕੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਜੇ ਦੇਖ ਹਾਂਜੀ ये हमारी मशीनरी खराब थी, हमारे पास स्ट्रेंथ ही कम है, हम वर्कर दे में, हमने तो हायर अथॉरिटी को किया, मैं हायर अथॉरिटी मैनेजर को भी हमने बताया है, उनको कैसे बताएं मुझे, इतनी बड़ी मंडी है, हमारे पास टोटल 8 वर्कर हैं, 8 वर्करों ने काम करना है, ये भी मंडी और फ्रूट मंडी भी और सब्जी मंडी भी, 2 मंडियाँ हैं हमारे पास, और उसके बाद मेन रोड भी आ जाए, और उसके बाद ये सर्विस रोड भी है, ये बाहर वाला, उसके बाद बाहर वाला सर्विस रोड भी, आप भी देख लें मंडी में कितना वेस्ट होता है। ये गाड़ी लगी हुई है इधर, इसके नीचे से हम कैसे सफाई करें आप मुझे बता दें। ये गाड़ियाँ हैं, अभी गाड़ी निकल जाएगी तो फिर हम कैसे करें, बार बार आके करेंगे। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, एनपीजी मीडिया नेटवर्क के साथ मैं हूँ आप लोगों की मेज़बान इकरा लियाकत। मेरा काम है सच्चाई को सामने लाना। पहले मैंने पूरी मंडी का विजिट किया, उसके बाद हम मुतलका इदारे में गए, इदारे के लोगों से बात की और इदारे के लोगों ने काम कराना शुरू कर दिया। ये LWMC का ट्रैक्टर है जो यहाँ पर सफाई कर रहा है, लेकिन सवालिया निशान यहाँ पर ये है कि अगर ये लोग इतने एक्टिव हैं तो फिर इतनी गंदगी क्यों। आइए इनके जो नुमाइंदगान हैं उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मैम। मलिक साहब क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल मैम? ये जो ना हमने LWMC को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, ये रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई करते हैं, इनका टाइम है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, यहाँ से फिर ये कूड़ा कलेक्ट करके फिर ये बाहर लेके जाते हैं। अब इनके गाड़ियाँ देखना, ये शुरू है ना बंदे, इन्होंने पहले ये झाड़ू फेरा खाक रू बने, उसके बाद ये इकट्ठा करके ना वहाँ पे ये डेली वाइज काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये डेली कल अगर हम 11 बजे आएंगे तो ये हाँ चेक कर, इसी तरह होगा इंशाल्लाह ताला। आप 11 बजे आए, 12 बजे जब भी हैं देखेंगे वर्कर काम कर रहे होंगे, क्योंकि इनका हमारा कॉन्ट्रैक्ट LWMC के साथ है, ये हमारे साथ ये आप लोगों का आप इससे बरियुज़मा है LWMC के नुमाइंदगान को? वही हैं, उनके जिम्मे हैं जी, बिल्कुल हाँ जी। LWMC का नुमाइंदा कौन है यहाँ पे भी? कोई भी नहीं रहते। चाचा जी कितने दिनों के सफाई कर देनो? रोज करी थी। आए थे कितने दिनों के? कितने? ये तो दूसरा दिन हो गया। दो दिन का कूड़ा है? हाँ दो दिन। चाचा कितनी दिहाड़ी लेना रोज झूलना मारी? चलो 2000 बन जाती। 2000 रुपए दे विच तेरा दिल मनदा है कि किन्नी तू हलाल करदा ते किन्नी हराम करदा? वेलो मैं उधर जाके किन्ना काम कीता ओ वहा ने तुहानू देख गोडियो गोडी चिकड़ो चिकड़ी ओ तुहानू वहा देने चल के मैं जिथे वेखण नहीं ओथों दी ते गल करना। ए तू तो हुण फिर तैनू पता हुण वारी नाल कढ़ना चार च फिर वारी नाल व्याह किन्ने कराई? LWMC के नुमाइंदे भाई कहाँ सो रहे थे? हम तो इधर ही काम कर रहे थे। क्या काम? ये काम तो अभी अभी तो मैं यहाँ से गई हूँ, अभी अभी ट्रैक्टर लगा। पहले उधर से उधर कर रहे थे ना, फ्रूट मंडी में? मैंने सिर्फ फ्रूट मंडी थे ना। आप LWMC के आए जी? LWMC के साथ जो हम विजिट करते हैं, आए आए आए, ये हमें देख कर एक मिनट सर, रोजाना कितने दिनों से सफाई नहीं? हर रोज होती है ये, हर रोज मैं तस्वीर दिखा देता हूं आपको। ओ भाई तस्वीरें ते तुसी मखसूस जगह दी बना दे जी ना, जो मौके पर मौजूद सूरत आले उसकी बात करें। चले उनसे पूछे बात करें। ये कितने दिनों की सफाई नहीं है? ये आज देख हां जी, ये हमारी मशीनरी खराब थी। अच्छा तो मशीनरी तो करवाती है भाई, लेकिन ये आज का कूड़ा है, ये जरा इधर ही आ जाए, इधर ऊपर ही आ जाए, ये आज का कूड़ा है। ये आज का दो दिन हो गए हमारी मशीनरी खराब थी, आपके सामने लगी हुई है मशीनरी, मतलब आने से पहले मशीनरी लगी हुई है, ये सारा करके गई है इधर से। अच्छा। उधर से फ्रूट मंडी से सारा किया, वो सारा सर्विस रोड करके आए हैं अभी। कितने घंटे की आपकी ड्यूटी होती है? हमारी ड्यूटी 8 घंटे की होती है। 8 घंटे की तनख्वाह कितनी लेते हैं आप? LWMC 32000 सैलरी है जी। आ जाए जी, छुट्टी पे। ये सफाई कब की हुई है? 2 दिन से मशीनरी खराब थी। एक तो हमारे पास वर्कर की स्ट्रेंथ कम है। अच्छा। तो हमारे पास 8 मेरी हाँ मैं आपको मौका दे रहा हूँ ना। हाँ। वर्कर जो हमारे पास है वो 8 हैं। अच्छा। 2 मंडियाँ हैं। अच्छा। उसके बाद मेन रोड भी करना होता है, इनके सर्विस रोड भी करने होते हैं, यहाँ से लेके मुल्तान चुंगी से लेके और जो अवानटोन स्टेशन है ये मेन रोड भी करना होता है, उसके बाद जो सर्विस रोड है वो भी करना होता है, और इसके बाद फ्रूट मंडी भी है। आप लोगों का सिस्टम तो LWMC का डिजिटल है ना? जी LWMC का है, डिजिटल सिस्टम है ना। जब आप लोगों की गाड़ी इंटर होती है बाहर जाती है वो सारा आप लोगों का डिजिटल देख रहे होते हैं? मैं समझा नहीं एक बात, मतलब जब आप लोगों के कूड़े की गाड़ी अंदर आती है मार्केट में जी, आती है। जब वो अनलोड करती है तो आप लोगों को शाहीन कम्प्लेक्स वाला जो सिस्टम है वो देखता है कि अनलोड हो गई है, लोड हो गई है।
जी हमारे पास जो गाड़ी आती है ना, ये देखें हाँ। अभी गाड़ी आएगी, ये इकट्ठे कर रहे हैं ना, ये अभी उनको यानी कि फिल करेंगे हाँ। उसके बाद वो गाड़ी आउटफॉल होने के लिए हमारे वो पॉइंट पे चली जाती है, कलेक्शन पॉइंट। डिजिटल सिस्टम है, तो डिजिटल सिस्टम वर्कर्स का भी डिजिटल सिस्टम है, वर्कर का भी डिजिटल सिस्टम है, लेकिन लख दे लाना तो सिस्टम तो जड़ा काम ही नहीं कर रहे हैं। हमारे पास स्ट्रेंथ ही कम है, हम वर्कर दे हमें, हमने तो हायर अथॉरिटी को किया, मैं हायर अथॉरिटी मैनेजर को भी हमने बताया है उनको, कैसे बताएं मुझे, हमने उनको रिटर्न भी लिख के दिया है, उनको वैसे भी ओरली भी बताया है उनको, और कम एप्लीकेशन भी दी है, सेक्रेटरी साहब को भी पता, और हमारी जो जितने भी मानेंगे कि सारा मुद्दा सेक्रेटरी साहब ने आप लोगों के ऊपर डाल दिया। नहीं देखें वो भी नहीं, उनका भी उन्होंने हमें कहना है, हम उनको कह रहे हैं कि हमें आप ही पीछे वर्कर्स हमारे लेके दें, आप हमें बताएं हाँ। इतनी बड़ी मंडी है हाँ। हमारे पास टोटल 8 वर्कर हैं हाँ। 8 वर्करों ने काम करना है, ये भी मंडी और फ्रूट मंडी भी और सब्जी मंडी भी हाँ। 2 मंडियां हैं हमारे पास, और उसके बाद मेन रोड भी आ जाएं, और उसके बाद ये सर्विस रोड भी है, ये बाहर वाला, उसके बाद बाहर वाला सर्विस रोड भी, आप ही देख लें मंडी में कितना वेस्ट होता है हाँ। एक मरतबा नहीं, अभी हम काम करके गए हैं ना, ठीक टन यहाँ से वेस्ट निकलता है तकरीबन तकरीबन जो है इसके ना बड़ी गाड़ियाँ होती हैं ना जो हाँ। वो हमारी 8 गाड़ियों से ज़्यादा होता है वेस्ट, मतलब एक गाड़ी में कितने टन वेस्ट जी, होता है जी, आ जाए एक गाड़ी में अंदाजन से तो नहीं, लेकिन 4 से 5 टन वेट अच्छा, होता है। आपने भी कहा ये रोड आप लोगों ने भी की है साफ जी, अभी की है, देख लें भाई फिर ये तो देखें हम, ये मंडी है अच्छा, ये मंडी है, लेकिन जितना पॉसिबल हो सकता है उतना हमने किया है। चलें जी बहुत शुक्रिया हाँ। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर आवाम के मसाइल के साथ साथ इदारे वालों के भी मसाइल हैं। LWMC के नुमाइंदे से बात की तो उसने कहा जी कि मेरे पास वर्कर ही नहीं है, उन्हें मुद्दा ही ख़त्म किया, उसने कहा 8 वर्कर हैं और ये नाला इस जो है मंडी का मेन मसला है, लेकिन यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनको भी इन लोगों के साथ तावुन करना चाहिए कि जो लोग वो वेस्ट फेंकते हैं ग्रीन वेस्ट को अलहदा कर लें, अपना कूड़ा क्रिकेट को अगर वो अलहदा करके रखें तो इन लोगों के लिए भी आसानी हो सकती है और सफाई के निज़ाम को बरकरार रखा जा सकता है, लेकिन सवालिया निशान फिर इदारों पर हैं कि वो लोग तनख्वाहें किस चीज़ के लेते हैं, आवाम के टैक्स पर पलने वाले लोग अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं करते हैं, क्या मजबूरियाँ हैं उन लोगों की कि हर बंदा यहाँ पर अपना ही रोना रो रहा है, हम यहाँ अपना रोना रोने आए थे। मैं हाँ जी बताता हूँ आप हमें कह रहे हैं सफाई नहीं करते, हम सफाई इधर से ट्रैक्टर ने करनी होती है, स्क्रैपिंग करनी होती है, ये आगे सारे देख लें, आगे सारे देख लें, ये सामने फ्रूट के लगे हुए हैं ना, रास्ता नहीं देते, ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ट्रैक्टर ने गुजरना होता है, स्क्रैपिंग करनी होती है, ये गाड़ियाँ साइड पर होंगी तो फिर हम स्क्रैपिंग सफाई अच्छी तरह करें, गाड़ी लगी है जब ये रास्ता नहीं देंगे हम काम कैसे करेंगे, रास्ता देंगे तो काम होगा ना प्रॉपर। ये गाड़ी लगी हुई है, इसका नहीं पता, नहीं ये तो प्राइवेट गाड़ी है ना अच्छा, इनके जो फ्रूट लेके आते जाते हैं, ये गाड़ी लगी हुई है इधर, इसके नीचे से हम कैसे सफाई करें आप मुझे बता दें, हमारे पास टाइम है हाँ, देखें ये गाड़ियाँ हैं, अभी गाड़ी निकल जाएगी तो फिर हम कैसे करें, बार बार आके करेंगे, लेकिन हमारा एक टाइम है, इतने टाइम में हमने करना है, हम आते हैं इनके पास कर, नहीं हमारे पास 24 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी, ये वासा का काम है सर, ये तो सर जी नीचे देखें, सर जी देखो हर बंदा दूजे ते इल्जाम लांदा, आ मेरा नीचे काम आ ओदा काम, जे जैसे सास बहू को कहती है और बहू सास को कहती है, यहाँ पर भी हमारे इदारों का यही हाल है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की तो उन्होंने कहा जी कि LWMC का काम है, LWMC वाले कहते हैं वासा का काम है, वासा वाले कहते हैं LDA का काम है, तो भाई तुहाडा की काम है, तुसी मैनू दस दो तुहाडा की काम है, हमारा काम है सच को सामने लाना, आप लोगों ने खुद रियलाइज़ करना है कि हमारे इदारे कितना काम कर रहे हैं और कितना हराम खा रहे हैं, ये सवालिया निशान है मेरे इदारों की कारकर्दगी पर। मोहसिन रकवी साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिस दिन आपका टूर होता है उस दिन लाहौर को मॉडल टाउन बना दिया जाता है, खुदा रहा आप रोज़ घर से निकल आया करें ताकि मेरे मुल्क के जो लोग हैं, मेरे लाहौर के जो बासी हैं, उनको कम से कम खाने पीने की अशिया तो साफ़ सुथरी मिल सकें, और इदारे जो काम कर रहे हैं अगर आप लोग इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें तो हो सकता है कि इनकी कारकर्दगी बेहतर हो सके। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।